नमस्कार, हेलो स्कॉलर्स. वंस अगेन आई डॉक्टर विंदा सिंह वेलकम यू ऑल ऑन दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आप सब ने हमारे वीडियोस को देखा, पसंद किया और अपने सजेशंस भी दिए. एंड वेरी सून वी विल इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस इन आवर कमिंग वीडियोस. हियर वी विल डिस्कस एडवांस्ड टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. And in this lecture, I will explain Plackett-Berman design. Just a minute. Yeah. Okay. जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस थे. वो लेबोरियस थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा था वो काफी ज्यादा था. उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि ओवरऑल हमें क्या नहीं मिल रहा था उसमें, तो इंटरेक्शन नहीं मिल रहा था. इंटरेक्शन इफेक्ट हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे. इन्हीं सारे जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, इनको ओवरकम करता है हमारी जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कि किसी ना किसी डिजाइन पे बेस्ड हैं. इसीलिए हम इनको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. इनमें हमारे सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आप कहिए कि हमें फ्यूअर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा और मोरओवर हम इंटरेक्शंस भी स्टडी कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बेसिक स्टेप है वो वही होगा, स्क्रीनिंग. किसी भी चीज के लिए हमें स्क्रीनिंग की जरूरत होती है. नाउ कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो जरूरी नहीं है उसके जितने भी फैक्टर्स हों वो सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था, तो उसमें क्या है कि आपके किसी भी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए जितने भी कंपोनेंट्स उसमें मेंशन है वो सारे कंपोनेंट्स इफेक्टिव नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हमने मीडिया कहाँ से लिया? मीडिया हमने लिटरेचर से लिया. लिटरेचर में जरूरी नहीं है कि वो मीडिया उसी मेटाबोलाइट के लिए यूज किया गया हो. हो सकता है हमने स्ट्रेन वाइज सेलेक्ट कर लिया. तो इम्पोर्टेंट क्या है? फाइंड आउट करना कि कौन से हमारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, कौन से कंट्रीब्यूटिंग नहीं है. इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव को सेपरेट करना. इसी चीज को सेपरेट करने के लिए इन द ईयर ऑफ 1946 प्लैकेट एंड बर्मन ने अपनी ये डिजाइन पब्लिश की, जिसको कि हम प्लैकेट बर्मन डिजाइन के नाम से जानते हैं, पीबीडी. अब जैसे कि हर डिजाइन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके भी हैं, जिसको कि हम थंब रूल ऑफ पीबीडी कह सकते हैं. अब इन्होंने क्या किया है, मेन इफेक्ट ही इन्होंने डिस्कस किए हैं और एज्यूम किया है कि इंटरेक्शंस आपके नेग्लिजिबल होंगे. मतलब जो ड्रॉबैक आपका कह लीजिए ट्रेडिशनल में था, वो इस डिजाइन में भी है. आगे चलते हैं. अब क्या है, इन्होंने ये कहा कि अगर हमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में जानना है तो हमें केवल वन मोर एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी. इट मींस कि n प्लस वन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ और टू स्क्रीन द n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब यहाँ पे जो n प्लस वन है इसके साथ इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाए. पहली चीज, ये आपके इवन नंबर होने चाहिए. सेकेंड, इवन तो हो साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ फोर होने चाहिए. जस्ट लाइक सिक्स और टेन हमारे इवन तो है लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ फोर नहीं है. नेक्स्ट, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं किसी भी मीडिया में, तो उसको इन्होंने टू पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. एक आपका कह दिया रियल वेरिएबल्स और दूसरा आपका कह दिया डमी वेरिएबल्स. रियल वेरिएबल्स क्या थे? रियल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. यानी कि जब हम मीडिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस वक्त हम इनके कंसंट्रेशन अलग अलग लेते हैं कभी ज्यादा कभी कम. लेकिन जो डमी वेरिएबल्स हैं, डमी वेरिएबल का कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन. अब अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका भी हमने कोई एक क्राइटेरिया बनाया हो. वो क्राइटेरिया हमने क्या किया, इट्स अ टू लेवल ऑफ डिजाइन. तो हमने इसके जो भी कंसंट्रेशन है उसको
टू लेवल में डिफ्रेंशिएट किया, एक को हमने कहा हाई और दूसरे को हमने कहा लो। अब जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है ब्लैकेट-बर्मन की, इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हमारे ट्रायल्स हैं, और जो वर्टिकल आपके कॉलम्स आ रहे हैं ये डिपेक्ट कर रहे हैं कि वेरिएबल्स के हाई या लो लेवल। अब वैसे तो ये डिजाइन हमें इंटरनेट पे मिल जाएगी अवेलेबल, जितने भी फैक्टर की चाहिए होगी उतने फैक्टर के अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी अगर हमें उसका बेसिक पता हो तो हमें लगता है कि उस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल ज्यादा है, हम उसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस डिजाइन को समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जैसे कि हमारे नंबर ऑफ रन इवेंट है, तो उस इवेंट में इन्होंने कहा कि हाफ आपके लो वैल्यूज होंगे और हाफ आपके हाई वैल्यूज होंगे। अब इस डिजाइन में अगर रन हमारे 8 हैं तो 4 हमारे एच होंगे और 4 हमारे एल, यानी कोई भी कॉलम आप ले लें उसमें यही कंडीशन अप्लाई होगी कि हर कॉलम में 4 एच वैल्यूज आने चाहिए और 4 एल वैल्यूज आने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने ये कहा कि अगर हम दो कॉलम को आपस में कंपेयर करें, किसी भी दो कॉलम 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, तो जो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे? सपोज अगर हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें देखिए 1 एंड 2 दो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं एच एच के, तो हमारे दो कॉम्बिनेशन बनने चाहिए जस्ट अपोजिट एल एल के, 1 एंड 2। अब देखते हैं दो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं एल एच के, तो दो कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट एच एल के भी बनने चाहिए, 1 एंड 2 बन रहे हैं। और यही चीज हमारी सारे कॉलम के बीच में, किसी भी दो कॉलम को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा होना चाहिए। आप एक बार भी देखिएगा, कोई भी डिजाइन आपके सामने आए तो ये चीज आप देखिएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, इस डिजाइन की हम फिलिंग कैसे करते हैं। एक एजम्पशन ले लिया हमने कि फर्स्ट या लास्ट, मतलब कोई भी एक ट्रायल हमारा जो होगा उसमें हम सारे वैल्यूज आपकी लो लेवल के ले लेंगे, सारे फैक्टर्स की। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, हमें ये पता है कि अगर ये 8 की है मैट्रिक्स 8 रन्स की, तो इसमें 4 हाई होने चाहिए और 4 लो होने चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट कॉलम में रैंडम फिलिंग कर ली एच और एल की। यहाँ पे हमने हर ब्लॉक को एक अलग कलर दे दिया है समझाने के लिए कि हाँ फिलिंग कैसे होगी। अब क्या है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम का लास्ट ब्लॉक होगा वही आपका सेकंड कॉलम का फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक, और उसके बाद आप फर्स्ट टू दिस कॉलम तक आप वैसे ही फिलिंग करते चले गए हैं। और थर्ड कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम से ये हम यूज कर चुके हैं, तो जस्ट इसके पहले वाला जो है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट में, एंड देन इसके नीचे आपका क्या था सेवेंथ वाला ब्लॉक वो आ गया, फिर टॉप टू दिस आपके ऐसे आ गए। नेक्स्ट के लिए आपका ये हो चुका, ये हो चुका, इसकी नहीं थी, तो ये वाला हमारा क्या है फोर्थ का फर्स्ट ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों ब्लॉक्स हैं एंड देन फर्स्ट ब्लॉक से यहां तक। एक बार आप करके देखिएगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या कैलकुलेशन, डिजाइन तो हो गई, इसके कैलकुलेशंस क्या है, ये इसकी कैलकुलेशन है। सबसे पहले जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे हर फैक्टर का हम इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट के लिए क्या है, यील्ड ऑफ हाई लेवल, सिग्मा ऑफ यील्ड ऑफ हाई लेवल माइनस सिग्मा ऑफ यील्ड ऑफ लो लेवल इनटू 2 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने हमने रन्स लगाए थे। फिर हम निकालते हैं वेरिएंस। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि डमी वेरिएबल्स, अगर हम उनका कंसंट्रेशन चेंज कर ही नहीं रहे हैं तो हम उनको मीडियम में क्यों लें,
हम एक्सपेरिमेंट्स में डमी वेरिएबल कंसीडर ही ना करें। आंसर यहाँ है, डमी वेरिएबल्स हमें बताता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स की एरर कितनी है। कैसे बता रहा है? इफेक्ट ऑफ डमी वेरिएबल का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ इफेक्ट ऑफ डमी वेरिएबल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ डमी वेरिएबल्स है, ये हमारा होगा वेरिएंस, एंड अंडर रूट ऑफ दिस वेरिएंस इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर डिसाइड करेगी कि हमारे जो फैक्टर्स हैं उनकी टी वैल्यूज कितनी आ रही, कितने सिग्निफिकेंट है, है ना। टी वैल्यूज इक्वल टू ई अपॉन एस ई, ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। अब इसी डिजाइन को हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखेंगे ताकि चीजें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है लिटरेचर से, एक हमने मीडिया ले लिया जिस 7 कंपोनेंट्स थे। हमें लगा कि ये वो वैल्यूज हैं इन कंपोनेंट की जो लिटरेचर में मेंशन थे, वो हमने ले ली। फर्स्ट 4 वेरिएबल हमें लगा कि ये इफेक्टिव हो सकते हैं, तो इसको हमने रियल वेरिएबल मान लिया। ये 3 वेरिएबल हमें लगा, 2 हमारे तो बफर हैं, फॉस्फेट जनरली बफरिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं, तो मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में हो सकता है इतना इफेक्टिव रोल ना हो, तो हमने क्या किया, इनको डमी वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब क्या है, हमें रियल वेरिएबल्स की आपकी जो लेवल्स हैं वो डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पे है कि जो आपका कंट्रोल, जो लिटरेचर से हमको वैल्यू मिली है, सेंटर वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, उससे जो डिफरेंस होगा हाई और लो का वो सेम होना चाहिए। यानी सेंट्रल वैल्यू से अगर ये 10 प्लस की तरफ आपका हाई जा रहा है, तो इसमें से 10 माइनस कर दें तो वो हमारी लो वैल्यूज होंगी। तो हर कंपोनेंट के लिए ये चीज अलग अलग है, तो इस तरीके से हमने ये डिसाइड कर लिया। अब क्या है, डमी वेरिएबल्स में हमने हाई और लो नहीं लिए, क्योंकि ड्यूरिंग मीडिया प्रिपरेशन हमें ये चीज कम ज्यादा करनी ही नहीं थी, हमें यही लेने हैं। अब क्या, ये जो हमारे नंबर ऑफ रन्स हैं वो क्या है, कितनी बार आप एक्सपेरिमेंट्स चला रहे हैं, मींस हम कितने फ्लास्क लगा रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया फ्लास्क। अब यहाँ पे इसी चीज को सिंपल करने के लिए, जो हाई आपके थे उनको हमने ग्रीन कलर से डिपेक्ट किया है और लो को हमने येलो कलर से डिपेक्ट किया है। अब हमने पहला फ्लास्क लिया, इसमें जितने की हाई वैल्यूज दी थी सबके हमने हाई वैल्यूज ले लिए, सॉरी, और जिनकी लो वैल्यूज लिखी हुई थी उन सब की हमने लो वैल्यूज ले लिए। इस तरीके से हमारा पहला फ्लास्क बन गया। सिमिलरली हम अपने सारे फ्लास्क बना ले रहे हैं। लास्ट फ्लास्क में हमने जैसे कहा था कि हमारी जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे सबकी लो वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो सबकी लो वैल्यूज लेके हमने फैक्टर्स बना लिए। डमी वेरिएबल्स में देखिए कहीं कोई चेंज नहीं है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, जो लेना था, जो कंट्रोल वैल्यूज थी हमने वही ली हैं, उनमें हमने हाई और लो नहीं रखा है। एक्सपेरिमेंट प्लान हो गया, फ्लास्क हमारे प्रिपेयर हो गए, हमने एक्सपेरिमेंट रन कर लिया, अब हमको क्या मिला, आउटपुट। आउटपुट के अकॉर्डिंग ये डिजाइन हमारी इस तरह की कुछ बन गई। सपोज ये हमारी यील्ड मिली मेटाबोलाइट के अकॉर्डिंग, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट फ्लास्क में हमको सपोज 25 मिला, 25 मिलीग्राम पर लीटर हम मान लें अगर, तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, इस फर्स्ट फ्लास्क में जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे सबका आउटपुट ये है, क्योंकि हमको इससे यही मिला है इस कॉम्बिनेशन से। तो हमने फर्स्ट फ्लास्क में चाहे हाई हो या लो हो, जो भी हो, हमने यही रिजल्ट किया। इसी तरीके से सेकेंड फ्लास्क में हमको जो यील्ड देखने को मिली वो हमने इसमें हाई हो लो हो जो भी है कंपोनेंट सबके आगे हमने यही लिख लिया है। थर्ड में ऐसे इस तरीके से हमारी ये डिजाइन ऐसे बन गई है। अब आ रहा है हमें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इफेक्ट। इफेक्ट हमने कैसे निकाला था, सिग्मा ऑफ हाई, सपोज फर्स्ट फैक्टर का हमको इफेक्ट निकालना है। अब पहले में हम ये वाला पूरा कॉलम कंसीडर करेंगे,
अब रो नहीं, अब कॉलम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब हम फ्लास्क वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, फैक्टर वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट फैक्टर का इफेक्ट देखेंगे, तो इस कॉलम में कितनी हाई होंगी, फोर, फोर हाई वैल्यूज इनका हमने सम किया, फोर लो वैल्यूज इनका हमने सम किया, इनका हमने डिफरेंस लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय 8, क्यों, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं, 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट फर्स्ट का निकला, सेकंड का निकला, थर्ड का निकला, फोर्थ का निकला। डमी वेरिएबल्स के लिए भी इफेक्ट निकला, उन इफेक्ट का हमने स्क्वायर किया तो ईडी स्क्वायर आ गया। इन ये जो ईडी स्क्वायर है इनका हमने जब सम किया और नंबर ऑफ डमी वेरिएबल से डिवाइड किया तो वो हमको मिला वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव का हमने अंडर रूट किया तो हमको मिला स्टैंडर्ड एरर। और जब ये स्टैंडर्ड एरर हमें मिल गई तो हमने ये जो हमारे रियल वेरिएबल्स थे इनकी हमने टी वैल्यू निकाल दी, इफेक्ट अपॉन स्टैंडर्ड एरर, यहां से हमको ये टी वैल्यूज मिल गई। अब इन टी वैल्यूज से अगर हम देखें सिग्निफिकेंस लेवल, हम पी वैल्यूज निकाल सकते हैं, हमारे पास पी वैल्यूज की जो टेबल होगी हम उससे देख सकते हैं, और जो हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे होंगे हम कह देंगे हाँ ये कंपोनेंट इफेक्टिव है और ये कंपोनेंट हमारा इफेक्टिव नहीं है। ओके, अब क्या है कि ये तो थी हमारी डिजाइन, तो इस डिजाइन से हमें क्या मिला कि जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो हमारे पास विद डेटा मिल गया कि हाँ हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ फैक्टर में से स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि हाँ ये फैक्टर्स हमारे इफेक्टिव हैं, जो फैक्टर्स इफेक्टिव नहीं है हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, मीडिया से हटा दें, ये चीज हम प्लान कर सकते हैं। प्लैकेट बर्मन डिजाइन एक तरीके से जो एडवांस टेक्निक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही कहा जा सकता है क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए यूज में आ रहा है। जैसे हर टेक्निक के अपने कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। पहले आप यही कह लीजिए कि जो हमारा एजम्पशंस था कि हम इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे थे वही हमारी लिमिटेशंस आ गई, क्योंकि इंटरेक्शन एक्चुअल में तो होता है और स्टडी भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी मीडिया में या किसी ऐसे में जहां पे एक फैक्टर का इफेक्ट जो है किसी दूसरे फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस से इन्फ्लुएंस्ड हो, वहां पे पीपीटी हमारा काम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी आपका जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जो स्क्रीनिंग की टेक्निक है वहां पे ये काफी इफेक्टिव है और नंबर ऑफ एरियाज में ये अप्लाई भी होती है। तो ये हमारा है स्क्रीनिंग का प्लैकेट बर्मन डिजाइन, और यहीं पे ये लेक्चर हम पूरा होता है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में हम आप फिर से मिलेंगे एक नई टेक्निक के साथ, मोस्ट प्रोबेबली आपका रिस्पॉन्स सरफेस जो मेथडोलॉजी है उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।